नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और आप देख रही हैं एफएम न्यूज़। सुशांत सिंह राजपूत केस में आए ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार है। उन्होंने एनसीबी को कई अहम खुलासे किए हैं। उन्होंने 25 बॉलीवुड सेलेब्स के नाम बताए जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं या तस्करी करते हैं। एनसीबी इसकी जांच कर रही है। रिया के अलावा एनसीबी ने उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के पूर्व हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और घर में काम करने वाले दीपेश सावंत को गिरफ्तार किया हुआ है। एनसीबी के महानिदेशक राकेश हस्ताना ने इस मामले में आउटलुक मैगजीन को इंटरव्यू दिया और इसमें कई अहम खुलासे किए हैं। राकेश अस्ताना ने कहा है कि एजेंसी और रिया का गहरा संबंध है और ड्रग्स रैकेट तक तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि ड्रग्स बनाने वाले देश में ड्रग्स की तस्करी और इस्तेमाल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरव्यू में राकेश अस्ताना ने कहा है कि रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स सिंडिकेट छोटा नहीं है। वह कहते हैं कि इस मामले में एक व्यवस्थित ड्रग्स रैकेट का खुलासा होता है जिसका दुबई और आतंकी समूहों की तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध है। वह कहते हैं कि ड्रग्स को रेव पार्टी के लिए लाया जाता है और इन पैसों का इस्तेमाल नार्को टेरर के लिए किया जाता है। राकेश अस्ताना के मुताबिक क्यूरेटेड मैरिजुआना बट्स की कीमत लगभग 8 लाख रुपये प्रति किलोग्राम होती है। उसके बाद वे कहते हैं कि रिया चक्रवर्ती जैसे लोगों को माफ नहीं किया जा सकता क्योंकि वे रोल मॉडल के रूप में काम करते हैं जिसे युवा देखते हैं। रिया के बयान के बाद बॉलीवुड में एनसीबी की संभावित जांच के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा एक एजेंसी उसी के लिए सबूत इकट्ठा कर रही है जिसके बाद वे बड़े आरोपियों की तलाश में जुट रही है।